हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ आरटीपी सीए फाउंडेशन मई 22। ये एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल वॉज 50 and 40। On that day, balance of their current account was A 10,000 credit, B 3,000 debit. Interest is 5% per annum is to be allowed on the balance of capital account as on 1st April. तो 1st April को जो capital का balance है, उस पे 5% interest आपको देना है. B is to get annual salary. वर्ड्स को ध्यान दीजिए बेटा, बी इज टू गेट एन्युअल सैलरी ऑफ 3,000, पूरे साल का 3,000 है, महीने का नहीं है, विच हैड नॉट बीन विड्रॉन। ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर वर 1,000 and 2,000 रिस्पेक्टिवली। अगेन ये पूरे साल के ड्रॉइंग्स हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी वॉज 70। तो ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें अभी इंटरेस्ट माइनस करना बाकी है पर सैलरी हम माइनस कर चुके हैं, उसके बाद 70,000 आया है। इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू अ रिजर्व अकाउंट। अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है एंड में समझाऊंगा आपको। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 एंड शो कैपिटल इन करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो पहले तो जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पीएनएल बनाते हैं, फिर आइडियली उसके बाद एक और अकाउंट होता है कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट को जो हम सीधा कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उसके बजाय एक और स्टेप होता है। तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कॉल्ड पीएनएल अप्रोप्रिएशन। उस अकाउंट में पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है ऑन कैपिटल, पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है ऑन ड्रॉइंग्स, फिर जैसे ये क्वेश्चन में है रिजर्व में ट्रांसफर करना है। वो सब एडजस्टमेंट करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो समझने के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन चुना गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फॉर्मेट बना के रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, कैपिटल का और करंट अकाउंट का, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस साल हमारा प्रॉफिट कितना है, तो शायद आप जवाब देंगे 70,000। तो वो जवाब राइट तो है पर अधूरा जवाब है। सो लेट मी आस्क द क्वेश्चन अगेन, थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगा। पार्टनर को सैलरी देने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, पार्टनर को सैलरी देने के पहले? तो आप मुझे बताओगे सर 70,000 तो सैलरी देने के बाद है, 3,000 हम सैलरी दे चुके हैं, मतलब सैलरी देने के पहले का जो प्रॉफिट है सर वो 73,000 है। तो आई विल अग्री विथ यू नाउ। तो इधर क्रेडिट साइड पे मैं लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट, इधर क्या लिखा है देखो, बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये आ गया आपका 73,000। अब मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूं ये कैसे आया, तो 70,000 + 3,000। अब यहां पे डेबिट साइड पे मैं शो करूंगा सैलरी टू बी एज अ एक्सपेंस, तो सैलरी टू बी कितना है बेटा 3,000। तो अभी हो गया देखो 73 - 3 = 70। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, 5% किस पे करना है, कैपिटल के बैलेंस पे। तो 5% होगा 5% ऑफ 50,000 फॉर ए, ए का नाम पहले लिख लेते हैं फॉर ए। तो 50,000 का 5% हो जाता है 2,500। फॉर बी इट विल बी 5% ऑफ, बी का कैपिटल है 40,000, तो उसका 5% होता है 2,000। अब मुझे कैपिटल अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं 50,000, 40,000। करंट अकाउंट में ए का बैलेंस लिखना है, करंट अकाउंट में ए का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है,
और बी का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 3000। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका इफेक्ट करूंगा, और ये सैलरी का दो इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट। तो देखो एंट्री क्या है, पीएनएल टू बी, ये सैलरी टू बी यानी बी के कैपिटल में ऐड होने वाला है, तो बी के कैपिटल में, कैपिटल में नहीं सॉरी करंट अकाउंट में ऐड होगा, तो इधर बी के करंट अकाउंट में मैं लिख दूंगा 3000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ए और बी के करंट अकाउंट में ऐड होंगे, ए के लिए 2500 है और बी के लिए है 2000। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी इज 1000 एंड 2000। तो ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में डेबिट होंगे, तो ड्रॉइंग्स ए का है 1000 और बी का है 2000। ड्रॉइंग्स पीएनएल अकाउंट से माइनस नहीं होते हैं, ड्रॉइंग्स बैंक से माइनस होते हैं और कैपिटल से माइनस होते हैं, ठीक है ना, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। आगे अभी ये एक एडजस्टमेंट बचा है कि 10% ट्रांसफर करना है, तो मैं पहले क्या करता हूं, एक वर्किंग नोट बनाता हूं, नेट प्रॉफिट, ये वर्किंग नोट आपको दिख रहा है, मैं यहां पे राइट में बनाता हूं, इधर आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट कितना है बेटा, बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट है सर 73,000। ठीक है, फिर लेस सैलरी, सैलरी कितना है बेटा 3000, फिर लेस आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कितना है, तो यह है 4500, 4500। तो अब आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी, जिसको हम नाम दे देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, आपको बताया था बाद में बताऊंगा, तो ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, यानी इतना प्रॉफिट उनके पास अवेलेबल है 73 में से 3000 माइनस और 4500 माइनस, तो 65,500 ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। तो वो कहते हैं ना, हम लोग ये 65,500 कैपिटल में ऐड नहीं करना चाहते हैं। अब क्यों, वो तो हम वो मिलेंगे तो पूछेंगे, तो जो बोला है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोला है, इट इज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 65,500 का 10%, ये हो गया 6550। तो इधर से पीएनएल टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री हो गया 6550। और अभी मैं बैलेंस अगर निकालूं, बैलेंस बैलेंस नेट प्रॉफिट, तो 65,500 माइनस 6550 ये आ जाता है 58,950, और ये इक्वली शेयर करना है मुझे, शेयर ऑफ ए और शेयर ऑफ बी, तो 58,950 को डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो 29,475 ये ए को मिलना चाहिए और 29,475 ये बी को मिलना चाहिए, टोटल आपका आना चाहिए 58,950। सो ये जो अमाउंट है, ये अभी फॉर्मूला अगर मैं डालूं तो दैट शुड ऐड अप टू 73,000। तो अब ये मेरा ठीक आ गया। अब क्या करना है, अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ये जो है वो ये आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अब आ गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन से 29,475, और ये भी सेम फिगर है 29,475। अब मैं क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा, ये करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000 है बेटा, तो 41,975 इधर लिखा और ये बैलेंस आ गया आपका 40,975, ये मैं बीच में आ रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल किया 34,475, वो यहाँ लिखा, और 2 और 3 5,000 है, तो ये बैलेंस आएगा 29,475, ये टैली हो रहा है। अभी कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस बच्चा सेम आएगा 50,000 एंड 40,000, उसमें ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा सेम कैरी फॉरवर्ड होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. थैंक यू, टेक केयर.